देव ख्रिस्तनी प्रतिज्ञा करह। जदो देवनी दुनियाला बनवेल हता तेला माहित हता का तेला एक दिस ख्रिस्तला दवाडूला पडील। तेनी आदम अन हवा हारी प्रतिज्ञा करना का तो तिसा करील। तेनी सांगा का हवा कन एक वंश जलम लील जो सापने डोकीला सुंदी टाकील। जे सापने हवाला धोखा दियल हता तो शंका वगर शैतान हता। देवना सांगुन अर्थ हता का ख्रिस्त पूरे रीते शैतानला हरवी दिल। देवनी इब्राहिम हारी प्रतिज्ञा करेल हती का तेने मार्फते दुनियानी अखी जाति आशीर्वादित हुईल। देव मागुन एखाद समय मा ख्रिस्तला दवाडूला तेने मार्फते ये प्रतिज्ञाला पूरा करील तो ख्रिस्त दुनिया ने दरेक जाति मासून लोकासहला तेने पाप मासून सोडवील। देवनी मूसा हारी प्रतिज्ञा करेल हती का भविष्य मा तो मूसा ने जिसा एक दुसरे देव सहून बोलनारला दवाडील। यो देव सहून बोलनार ख्रिस्त हुईल। ये रीते देवनी फिरीनी प्रतिज्ञा करी का तो ख्रिस्तला दवाडील। देवनी राजा दाऊद हारी प्रतिज्ञा करी हती का तेना एक वंश ख्रिस्त रहील तो राजा हुईल अन देवने लोकासा वर कायमने साठी राज करील। देवनी यिर्मिया देव सहून बोलनार हारी गोट करी अन सांगना एक दिस तो नवा करार करील। तो नवा करार इस्रायल ने हारी सिनाई वर करेल जुना करार ने जिसा नहीं हुईनार। जदो लोकासे हारी तो तेना नवा करार करील तो तेहावर पदरला व्यक्तिगत रीते प्रगट करील। दरेक मानुष तेला माया करतील अन तेना नेम पाळूनी इच्छा राखतील। देवनी सांगा का यी तेने नेम ना तेने हृदय सावर लिखी देवला। तेने जिसा हुईल ते तेना लोका हुईतील अन देव तेने पाप सहला माफ करील। तो ख्रिस्त हुईल जो तेने हारी नवा करारला करील। देवना देव सहून बोलनार शी ये भी सांगा का ख्रिस्त एक देव सहून बोलनार हुईल। एक देव सहून बोलनार तो मानुष आहा जो देवने वचनला ऐकह अन मागून लोका सहावर देवने संदेश सहला जाहिर करह। जेला दवाडूला देवनी प्रतिज्ञा करेल हता तो एक ख्रिस्त एक सिद्ध देव सहून बोलनार हुईल। मतलब तो ख्रिस्त देवने संदेश सहला बेस करीनी ऐकील अन तो लोका सहला ते संदेश सहला बेस करी शिकवील। इस्रायली याजक सी लोकासे साठी देवने पुढ बलिदान चढवूला चालू राखनात। ही बलिदान लोकासे पापने साठी त्याला देव मार्फते दंड करेल ने जागावर चढवामा आणेल। याजक सी लोकासे साठी प्रार्थना भी करी पण तो ख्रिस्त सिद्ध महायाजक होईल जो देवला देवला साठी एक निर्दोष बलिदान ने रूप मा पदरला चढवी देईल। मतलब तो कधी पाप नहीं करणार अन तो पदरला बलिदान होईला साठी देईल तर दुनियाना कने भी बलिदान नी जरूर नहीं पडणार। लोकासे समुदाय व राजा अन प्रधान राज करता हा अन कधी कधी भूल भी करता हा। राजा दाऊद ने फक्त इस्रायली सावर राज करा पण राजा दाऊद ना वंश ख्रिस्त पुरे रीते दुनियावर राज करेल अन तो कायम ने साठी राज करेल। तेने शिवाय तो कायम न्यायी रीतकन राज करेल अन खरा निर्णय सहला लील। देव देव सहून बोलनार श्री ख्रिस्त ने बारा मा खूब गोटी सांगे है। दाखला तरीके मालाखी नी सांगा का ख्रिस्त ने येवने पुढ़ एक दूसरा देव सहून बोलनार येल तो देव सहून बोलनार खूब महत्व न हवा। तेने शिवाय यशाया देव सहून बोलना लिखा का ख्रिस्त एक कुवारी ने पोटी जलम लील अन मिखा देव सहून बोलनार नी सांगा का ख्रिस्त बेतलेहम शहर मा जलम लील। यशाया देव सहून बोलनार नी सांगा का ख्रिस्त गालील ने विस्तार मा रहील ज्या लोका खूब दुखी आहात ख्रिस्त त्याला शांति दिल तो कैदी साला भी स्वतंत्र करील। ख्रिस्त बीमार साला अन ज्या ऐकी नहीं सकत हेरी नहीं सकत बोली नहीं सकत का तो चाली नहीं सकत त्याला भी बेस करील। यशाया देव सहून बोलनार नी ये भी सांगा का लोका ख्रिस्तला नफरत करतील अन त्याला स्वीकार करूला नकार करी देतील। दुसरे देव सहून बोलनार से सांगा का ख्रिस्तना एक जोड़ीदार तेने विरोध उठील। जकारिया देव सोनू बोलनार नी ये भी सांगा का तेना यो जोड़ीदार ईसा करोला साठी दुसरे लोकासापासून चांदीना 30 सिक्का लील। तेने शिवाय थोड़ाक देव सोन बोलनार सी सांगा का लोका ख्रिस्तला मारी टाकतील अने यी का ते तेने कपड़ा से हरी जुगार खेळतील। देव सोन बोलनार सी ये भी सांगा का ख्रिस्त किसा करी मरील। यशायानी ये भविष्यवाणी करी का लोका ख्रिस्तवर थुकतील तेना मजाक उडवतील अन तेला झोडतील ते तेला इंदी देतील अन ते खूप पीडा अन दुखमा मरी जाईल।
जो के तेनी कहीं पण खोटा नहीं करेल हवा। देव सहुन बोलनार से ये भी संगा का ख्रिस्त पाप नहीं करनार ती सिद्ध हुईल, पण तो ये सटी मरिल, देव तेला दूसरे लोका से पाप से कारण है दंड करिल, तो मरिल तहा लोका सहला देव हारी मेलाप करूला सक्षम हुईल। ते साथी देवनी इच्छा हा का ख्रिस्त मर। देव सहुन बोलनार ने ये भी संगा का देव ख्रिस्तला मरेल मासून जीता करिल, ये दाखवा का ये अखा नवा करार करूनी देवनी योजना हती, जेथी तो ते लोका सहला बचवी सक जेही तेने इरुद पाप करेला हा। देवनी देव सहुन बोलनार सहला ख्रिस्त ने बारा मा खूब गोठी सहला प्रगट करा, पण ख्रिस्त ते देव सहुन बोलनार से कोना ने भी जीवन काने समय मा नहीं आनेल, ये भविष्यवाणी सहला दियल तेने मागून 400 करता वदारे वर्षा मागून चोक्कस समय वर देव ख्रिस्तला ये दुनिया मा दवाड़ेल।